राजेश खन्ना अपने जमाने के जाने माने एक्टर थे। उस समय जब राजेश खन्ना की फिल्म रिलीज होती थी तो सिनेमा घरों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। उनकी एक फिल्म ने तो पूरे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। फिल्म लगातार 100 दिनों तक सिनेमा घरों में लगी रही। राजेश खन्ना एक ऐसे स्टार्स थे जिन्होंने जनता के बीच कुछ ऐसी इमेज बना ली थी कि उन्हें लोग भगवान की तरह मानते थे। राजेश खन्ना भी उन्हीं सितारों में से एक थे। जब उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो सिनेमा घरों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था और लोग फिल्म देखने के लिए कई दिनों का इंतजार करते थे। इस फिल्म का नाम था आराधना और इसमें राजेश खन्ना के साथ वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर नजर आई थी। ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही हिट हो गई। देखते ही देखते फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। फिल्म साल 1969 में आई थी। एक ही फिल्म सिनेमा घरों में 100 दिनों तक दिखाई जा रही थी। इन दोनों सितारों को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साथ ही फिल्म ने और भी अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म का एक गाना भी सुपरहिट हुआ। इस गाने का नाम था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। फिल्म इतनी हिट थी कि तेलुगु में इसका रीमेक बनाया गया। ये रीमेक भी काफी ज्यादा हिट रही। फिल्म देश भर में कई महीनों नहीं बल्कि करीब 3 साल तक दिखाई गई।